नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एची ऑन गेमिंग में। तो आप सभी को तो पता है कि जो जीटी थ्री की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है, और यहाँ पर ना अब तक जीटी थ्री में काफी सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। जो आ चुका है वो यहाँ पर गायब हो गई है, और जो अपनी कैटलिना है वो तो लाइक उसके दर्शन ही नहीं हो रहे। इसके अलावा जो अपना किंग कौटसी है, जिसके पास हम जो है लास्ट वाले एपिसोड में गए हुए थे, उसने ना हमें लाइक एक टेस्ट करने के लिए हमसे ना एक रेस करवाई हुई थी, यानी कि हम जो है ड्राइवर बने हुए थे लास्ट वाले एपिसोड में। और यहाँ पर जो हमें कुछ चेक पॉइंट्स वगैरह लेने थे, 15 चेक पॉइंट, जिसमें कि हमने 8 चेक पॉइंट्स को जो है कंप्लीट कर लिया था, और बाकी के चेक पॉइंट्स को हम इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पीछे पड़ गई थी पुलिस अपनी सायरन बजा के। तो इसके बाद ना यहां पर हमने वो जो टास्क है उसका कंप्लीट कर दिया था, और आज से जो है यहीं से कंटिन्यू करने वाले। और आज भी ना मेरे हिसाब से मुझे जो है किंग कर्ट्सी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ना पैसे कमाने के लिए लिबर्टी सिटी में और कोई बंदा नहीं है जिससे कि अपना जो क्लॉड है वो यहां पे पैसे वगैरह कमा पाए। तो फटाफट इस गेम को यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं जो है वहीं पर खड़ा हुआ हूं जहां पर जो रेस है वो खत्म हुई थी, और इसी कार से ना मैंने रेस की हुई थी। और ये जो कार है ना, मतलब ना पूरी तरीके से जो है खराब हो चुकी है। खराब तो नहीं हुई है, मतलब स्मोकिंग कर रही है, मतलब बीजीएमआई में वो बोलते हैं ना द व्हीकल स्मोकिंग, ऐसा ही कुछ यहाँ पे जो है सीन हो रखा है। फिलहाल के लिए जो है मुझे उस टेलीफोन के पास जाना है जहाँ पर कि मुझे किंग कट्सी का जो कॉल है वो यहाँ पे आएगा। खैर यहाँ पर ना अभी अभी यहाँ पर ना मुझे काफ़ी सारे जो बंदे हैं ये मुझे दिखाई पड़े हैं, मतलब ये जो रेड कलर की जो बंदे जो कपड़े पहने हुए ना, इनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। अगर आपको पता तो ज़रा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। खैर यहाँ पर जो फ़ोन है वो आ रहा है मेरे लिए, तो फटाफट से यहाँ पर जो कॉल है वो पिकअप कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर ना अब ये चाहता है कि हम ना इसके लिए एक डर्टी काम करें, और डर्टी काम ना ऐसा वैसा वाला काम नहीं है। यहाँ पर जो डर्टी काम है पता नहीं कौन सा होने वाला है, मुझे भी एक्चुअली में पता नहीं है। खैर यहाँ पर ना दो बंदे इसके यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर ना ये लाइक 90s की जो गाड़ी है ये यहाँ पर लेके आ चुके हैं, लेकिन मुझे उससे क्या। Alright. You do the driving and the shooting and the dally in a boot. We'll make sure you don't get cold feet here. You'll need a piece. ठीक है। तो यहाँ पर जो सीन है ना, ये यहाँ पे ये हो रखा है कि जो अपना किंग कट्सी है ये ना, मतलब यार्डिस गैंग का जो है मतलब एक लीडर है। आप सभी को तो पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ना ये यार्डिस गैंग का जो है लीडर है, और यहाँ पर ना एक डियाब्लो गैंग भी है लिबर्टी सिटी में। और यहाँ पर ना डियाब्लो गैंग वाले ना, मतलब यार्डिस गैंग की जो क्वीन है उसको ना यहाँ पर टीज कर रहे थे, यानी कि उसको ना चिढ़ाने में लगे हुए थे। इसी चक्कर में ये जो अपना किंग है, मतलब किंग कॉट्सी है, ये यहाँ पर चाहता है कि हम ना यहाँ पर डियाब्लो के बंदे को कुछ यहाँ पर मार दें, जिससे कि यहाँ पर उसका जो बदला है ना वो पूरा हो जाए, मतलब कि नेक्स्ट टाइम से वो ना यार्डिस की जो क्वीन है उनको ना यहाँ पे ना चढ़ा पाए। तो उसके लिए ना यहाँ पे हमें किसी हाइट्स वाले नाम की जगह पर जाना है, और उस जगह पर जाने के लिए मेरे हिसाब से मुझे ना इसकी नीचे से जाना पड़ेगा। वैसे मैं ऊपर की तरफ से तो जा सकता था, यानी कि मैं कैलहन ब्रिज के ऊपर से जा सकता था, लेकिन ठीक है नीचे की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं। खैर मुझे अपनी इस गाड़ी को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचाना है, क्योंकि अगर मैं उन बंदों को मारूंगा ना तो उनके पास ऐसा तो है नहीं कि गन वगैरह ना हो, उनके पास भी जो गन वगैरह है वो 100% होगी। और अगर उन्होंने मेरी गन से मतलब अपनी गन से ना मेरी कार को डैमेज पहुँचा दिया, तो मेरी जो कार है ये इसमें से ना फिर से जो स्मोक वगैरह ये यहाँ पर आने लगेगा, हो सकता है ये ना यहाँ पर फूट भी जाए। इसी चक्कर में मुझे अपनी जो गाड़ी है इसको बिल्कुल भी डैमेज वैमेज नहीं देना है, लेकिन फिर से जो डैमेज है पड़ चुका है। ऑल राइट, खैर अगर आपने ना जीटी सैन एंड्रियास की जो वीडियो है लास्ट वाली वो वीडियो नहीं देखी ना, तो आप ना उसे जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि उस मतलब उस गेम में ना मैं कार चला रहा था जिस कार में ना मतलब डैमेज ही नहीं पड़ रहा था, मतलब इतने डैमेज से तो उसे कुछ होता भी नहीं। उसका जो गेट वगैरह ना ये भी टूटा, काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ने के बाद ना उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। खैर यहाँ पर तो मेरे हिसाब से वो जो जगह है ना जहाँ पर कि मुझे डियाब्लो के जो बंदे हैं वो मिलने वाले हैं वो ना आगे की तरफ ही है। ऑलराइट, बस मुझे ना यहाँ पे ओके हैब्रन हाइट्स ठीक है, और मैं इस कार को भी लीव नहीं कर सकता, यानी कि मुझे बिना कार से लीव किए इनके बंदों को मारना है। बट मुझे जो बंदे हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहे, एक सेकंड, मेरे हिसाब से यही होंगे इनके बंदे, इनकी तो ऐसे कम तैसी। 4 बंदों को जो है मैंने ऐसे निपटा दिया है। ओके ठीक है, ये भी बंदा है क्या? 5 बंदे नहीं, 5 बंदे नहीं मरे। मुझे यहाँ पे गोलियाँ वगैरह, मैं सोच रहा हूँ कि गोलियाँ वगैरह ना चलाता, मतलब गोलियाँ वगैरह ना चला के ना मैं डायरेक्टली ऐसे ही ना गाड़ी में बैठे बैठे इन बंदों को मार दूँ तो ज़्यादा बेटर है। ओके मतलब डियाब्लो के बंदे तो नहीं थे, और मेरे पीछे जो है वो है जो पड़ चुकी है पुलिस अपनी। ठीक है, 6 बंदे जो है यहाँ पर मर चुके हैं, 7वां बंदा ये रहा, 8वां बंदा ये रहा। ठीक है ठीक है, ये भी यहाँ पर मर चुका है, 1 बंदे को और बस मुझे मारना है, और मेरे पीछे जो है पड़ चुकी है पुलिस। ठीक है, बस फाइनली यहाँ पे मेरा जो काम है वो यहाँ पे हो चुका है, और मुझे ना मेरे हिसाब से वापस से यहाँ से निकलना होगा। और वापस से जाने के लिए ना मैं ये वाले रास्ते से यहाँ पे चल लेता हूँ। खैर यहाँ पे ना एक पेंट की शॉप भी है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपनी जो गाड़ी है ना इसको ना एक बार पेंट भी कराते जाऊँ,
क्योंकि अगर मैं पेंट करा लूँगा ना तो एक सेकेंड पुलिस ना, मतलब 21 साल की पुलिस है तो इससे क्या भिड़ना, मैं आराम से निकल सकता हूँ। और जो पुलिस वाले ना ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे। ऑल राइट, तो पुलिस की कार है ना वो तो अभी मेरे पीछे अभी पड़ी हुई है। खैर यहाँ पे ना बाकी के जो गैंग के बंदे हैं ना ये ना मुझे यहाँ पे मार सकते हैं, इसलिए मुझे ना अभी भी अपनी जो कार है ना इसकी यहाँ पे जो डैमेज है यहाँ पे नहीं देना है। खैर जो पुलिस है वो अभी पीछे पड़ी हुई है मेरे। ऑल राइट, तो इस बार शायद से मैं कैलहन ब्रिज से होते हुए ही जाने वाला हूँ। हाँ, और मैं ना यहाँ पे रॉन्ग टर्न ले लिया, मतलब मैंने मुझे ना उस साइड से जाना था, लेकिन ठीक है इस साइड से भी मैं जा सकता हूँ। और इस साइड से शायद से जो पुलिस है वो मेरा पीछा नहीं कर पाएगी, अच्छी बात भी है। बस गाड़ी में से जो धुआं है ना ये ना निकले। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अब मुझे यहाँ पे ना कोई भी नहीं पकड़ने वाला, क्योंकि ना मैं इस साइड में आ चुका हूँ इसी चक्कर में। और यहाँ पर जो पुलिस है ना इसने भी मेरा जो पीछा है ये करना यहाँ पे बिल्कुल छोड़ दिया है। ऑल राइट, बस मुझे ना इन सबको वहाँ पे छोड़ना है इनकी जगह पर। और यहाँ पर मेरे हिसाब से किंग कर्टसी का यहाँ पे जो काम है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। इस बारिश को भी अभी हो रही थी, बारिश में ना जो टायर है ये बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं। ऑल राइट, सामने की तरफ ही है जहाँ पर कि मुझे ना इन सबको ड्रॉप करना है। खैर यहाँ पर ना मैंने इस वाले काम को भी, जो किंग कर्टसी के इस वाले काम को भी यहाँ पर पूरी तरीके से कम्प्लीट कर दिया। पता नहीं इस बार ना ये मुझे कितने पैसे देने वाला है, जितने भी दे मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पैसे डॉलर्स में मिलते हैं। ऑल राइट ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर से मुझे जो है मिल चुके हैं $10,000, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। खैर ना मैंने ना इन सारे के सारे मतलब कि डियाब्लो के बंदों को ना मतलब बिना गोली चलाए ही जो है सबको निपटा दिया। और इन बंदों की भी सिनर्जी कैसी है, मतलब उनका एक बंदा मारा गया तब भी जो बाकी के बंदे हैं ना उनको यहाँ पे बचाने नहीं आए, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेंज लगा। खैर अगर आपको स्ट्रेंज लगा हो तो उसे मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर मैं जो है नेक्स्ट मोबाइल गेम यहाँ पे कौन सा खेलूँ। अगर आपका जवाब मिस्टर मीट है तो उसके बारे में भी जरूर से आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ GT3 के नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। अब तक के लिए हमेशा की तरह खुश रहेगा।